न्यूज स्टेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 12 बज चुके हैं। सबसे पहले बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड अटैक हुआ है। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका गया, आतंकियों का ग्रेनेड फटा नहीं, इलाके को घेर लिया गया है। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन ऑन कर दिया है। कुपवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा बलों के एक दस्ते पर ग्रेनेड फेंका गया, लेकिन ग्रेनेड फटा नहीं, आतंकियों की साजिश फुस हो गई। लेकिन इसके बाद इस पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आखिरकार ग्रेनेड फेंकने वाले कहां फरार हो गए, उनकी तलाश की जा रही है। इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। इद्रिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। इद्रिश, पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, कुछ देर पहले नॉर्थ कश्मीर का कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, वहां का बस स्टैंड है, वहां पर जम्मू कश्मीर का एक पुलिस व्हीकल जो है वो खड़ी थी, जिस पर मिलिटेंट्स ने ये ग्रेनेड फेंका। और ये ग्रेनेड जो है फटा नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है, क्योंकि ये ग्रेनेड पुराना लग रहा था और उस पर जंग भी लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये फटा नहीं है। पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो स्पॉट पर पहुंच चुका है और अब इस ग्रेनेड को जो है डिफ्यूज कर दिया गया है, उसको वहां से हटाया गया है। वहीं इस पूरे इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और कोशिश की जा रही है कि जिन मिलिटेंट्स ने ये ग्रेनेड फेंका उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ठीक है इद्रिश, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पुराना ग्रेनेड था जिसकी वजह से ये फटा नहीं, उस पर जंग भी लगी हुई थी, ये जानकारी दी है इद्रिश ने। लेकिन आतंकियों की धरपकड़ के लिए इस पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।